हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज की हमारे इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों हम अपने ओप्पो के फ़ोन में दोस्तों हम फिंगरप्रिंट लॉक को रिमूव कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आपको अपने फिंगरप्रिंट लॉक को हटाना, आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते ओप्पो के फ़ोन में, तो दोस्तों आप इसको कैसे ही रिमूव कर सकते हो और दोस्तों कैसे हटा सकते हैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को हम ऑन कर लेंगे फिंगरप्रिंट लॉक को हटाने के लिए। जैसे दोस्तों अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरफ स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा पासवर्ड और बायोमेट्रिक का ऑप्शन, तो आपको इस पर पहले क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ से आके इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे दोस्तों मेरे पे पैटर्न है और मैं यहाँ पर इस पर दोस्तों मैं पिन लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आकर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है और आप दोस्तों देख सकते हो हमारा लॉक स्क्रीन पासवर्ड दोस्तों वो पैटर्न के लिए बदली अब पिन हो गया है। इसकी आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे को पैटर्न शो करेगा। दोस्तों आप अपने स्क्रीन लॉक को यहाँ से चेंज कर सकते हो। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों प्राइवेसी पासवर्ड चेंज करना चाहते हो प्राइवेसी पासवर्ड दोस्तों आप कर सकते हो। दोस्तों फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर ले रहा हूँ रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। अब दोस्तों देख सकते हो इंटर पासवर्ड, अब जो भी आपका फ़ोन का दोस्तों पासवर्ड है आपको यहाँ पे इंटर करना है। दोस्तों आपके पास अभी भी पैटर्न है तो आपको इस तरीके से पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है जो भी आपका पैटर्न हो। तो दोस्तों मैं अपने पासवर्ड को इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 3 फिंगरप्रिंट है। अब दोस्तों आप अगर एक और ऐड करना चाहते हो दोस्तों आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा यूज़ फिंगरप्रिंट फोर, तो आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऐप लॉक और प्राइवेट सेव पे। दोस्तों अगर आप अपने फिंगरप्रिंट को ऐप लॉक पे ऑन करना चाहते हो दोस्तों यहाँ से ऑन कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट भी करके बोला था हम अपने फिंगरप्रिंट को ऐप लॉक पे कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनको इस वाली सेटिंग पे आके यहाँ पे ऐप लॉक पे क्लिक करके, और उनके पास अगर प्राइवेसी पासवर्ड नहीं है तो पहले उनको प्राइवेसी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो फिंगरप्रिंट को ऐप लॉक पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करना है जो भी आप रिमूव करना चाहते हो हटाना चाहते हो। जैसे कि दोस्तों मैं फर्स्ट वाले को हटाना चाहता हूँ, यहाँ पे डिलीट करूँगा, ये वन फिंगरप्रिंट मेरे लॉक से मेरे फ़ोन से हट जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर आप थर्ड को हटाना चाहते हो यहाँ से थर्ड वाले को हटा सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो इस वाले फिंगरप्रिंट को तो आप इसको रख सकते हो, और आप इसको रखना नहीं चाहते तो आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों आपके जितने फिंगरप्रिंट है वो दोस्तों सारे हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दोबारा से पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा, अपने फिंगरप्रिंट को दोस्तों आपको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। और दोस्तों आपके पास अब कोई भी डाउट हो फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक या स्क्रीन लॉक दोस्तों आपको कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय दोस्तों।